एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में शेरनी दस्ते को कैप्सूल कोर्स कराए जाने के दौरान ब्रीफ किया गया। गौरतलब है कि हीरो होंडा कंपनी द्वारा पुलिस विभाग को सप्रेम स्कूटी भेंट की गई थी, जिसे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। वहीं एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा शेरनी दस्ता को और बेहतर करने के लिए 3 दिवसीय कैप्सूल कोर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो लोगों के बीच जाकर और बेहतर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। इस मौके पर सीओ कैंट सुमित शुक्ला, प्रतिसार निरीक्षक उमेश कुमार दुबे, शेरनी दस्ता ट्रेनिंग कमांडर इंस्पेक्टर संतोष यादव, यातायात निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सिंह गुप्ता ने कहा, डायरेक्टर हमारे फोर्स कमांडर इंस्पेक्टर संतोष जी,
ये नया तरह का आइडिया है जो हम लोग अकेले गोरखपुर में ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। आपको हम शेरनी दस्ते के नाम से ट्रेनिंग दे रहे हैं, 3 दिन की एक ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग कम माइंड ट्रेनिंग ज़्यादा है, आपको बताना समझाना, आपके अंदर हौसला लाना, इसका मकसद है कि आप भी एक एक्टिव पुलिस मैन बन सकें, पुलिस वुमेन नहीं, पुलिस मैन, पुलिस वाला। ये नहीं कि महिला पुलिस कर्मी है तो बड़ा छोटा मोटा ऐसे ही होगी, नहीं, हम चाहते हैं आप भी सशक्त बने, आप भी ऐसा काम करें कि उस पीछे हो जाए। और मेरा मानना है कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो चीज़ें बहुत साफ होती हैं। आप इंटरनेट पे चेक करिएगा, कोरोना इस समय उन कंट्रीज में सबसे कम हो गया है जहाँ की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महिलाएं हैं। तो आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आप लोग आगे बढ़िए। आपको हम लोग स्कूटी दे रहे हैं और स्कूटी बाई नेम दे रहे हैं, आपको पता चला आपके नाम पे स्कूटी दे रही है, आप ड्यूटी आवर के अलावा भी आप अपने घर जा रही हैं आ रही हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना थोड़ा पेट्रोल डालिए, आपको सरकारी पेट्रोल मिलेगा, हर महीने मिलेगा, एक निश्चित सीमा में हर गाड़ी को पेट्रोल दिया जाएगा, ये नहीं आपको देर से डालना है। आप उस गाड़ी को ले करके आपको अपने कमरे तक जाना है, घर तक जाना है, उसकी भी सुविधा आपको दी जाएगी। ये नहीं कि आपको बोला जाए कि ये थाने की चाल जा रही है तो तुम जब छुट जा रही है तो यहीं छोड़ के जाओ, ड्यूटी है ठीक है, नहीं तो आप अपने कमरे तक भी ले जा सकती है, लेकिन चूंकि उसमें लिखा हुआ है तो इसलिए मैक्सिमम उससे सरकारी ड्यूटी ही करनी है। ये थोड़ा आपको बताने के लिए, समझाने के लिए है। और मैं आपको समाटर से कहूँगा कि हर महिला को एक 20 शीट की बुक दीजिए, हर क्लास नोट करेंगे, जो 3 दिन के बाद लास्ट में एंडिंग होगी उस दिन वो नोटबुक चेक की जाएगी, कितनी क्लास अटेंड करी, उन्होंने कुछ कमेंट लिखा कि नहीं लिखा, खाली बात नहीं। आज की डेट में पुलिस वाले के लिए सबसे जरूरी चीज़ घंटा नहीं है, क्या है, कागज और कलम। आप कहिए सड़क पर कलम लिखा, भी में से डायरी निकाली और नोट करना शुरू कर दीजिए, ऐसे ही आदमी आपसे डरने लगेगा, डरने से ज़्यादा। इसमें सभी को पुलिस का कलम नहीं, ये जंगल वर्दी है, जंगल कामरी है, जब जंगल में ऑपरेशन करने पुलिस जाएगी तो ये सबको कहूँगा कि शेरनी दस्ते में महिलाएं लड़कियाँ चलेंगी, केवल उन्हीं को हम ये वाली टोपी अधिग्रहित करेंगे और यहाँ शेरनी लिखा करके कि कोई शेरनी दस्ता में है इलाके में, दहशत भी हो, आपका सम्मान भी हो, लोग मोटरसाइकिल लेके आप कहीं चार लड़कियाँ पहुँच गई हैं तो लोग बोले हाँ भाई हमारी शेरनी दस्ता आ गया, हमारी महिलाएं आ गई, इस तरह का सम्मान आपने पैदा करना, एक नई पहल है। आपकी जिम्मेदारी अपने थाना क्षेत्र की एक एक गली एक एक कूचे का आपको ध्यान रखना है। स्कूटी है तो आप 2 घंटे 4 घंटे में पूरे एरिया में, दिन में आप महीने में अगर आप 6 दिन भी गई तो लोग आपको पहचानेंगे कि शेरनी दस्ते वाली मैडम आई है, स्कूटी में आपके लिखा है, आप कैप में लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर छोटी मोटी हल्की फुल्की ट्रेनिंग देना है, ये कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि आपको हम बहुत मदद देंगे, आपको आइडिया देंगे हम कि आपने कैसे पुलिसिंग करनी है, चार लोगों से बातचीत कैसे करनी है, डरना नहीं है, आपको पुलिस की पावर है, आपको पता होना चाहिए आपके पास क्या क्या पावर है, गिरफ्तार करने की क्या पावर होती है, चलाने करने की क्या पावर है। और मैं यही हिसाब से कहूँगा कि इसका जो आप बता रहे हैं बराबर नहीं बताइए, फोटो स्टेट दे दीजिए इनके हाथ। जैसा कि आपको पता ही है हमें हीरो होंडा कंपनी की तरफ से कुछ 2 व्हीलर्स जो है सामाजिक उसके तहत अभियान के तहत हमें दान में प्राप्त हुई थी और उसके लिए एक हमने शेरनी दस्ता बनाया था जिसमें महिला पुलिस कर्मी ही उसको उन स्कूटियों को चलाएंगी और वो लॉन्च की गई थी और इस समय उनसे गश्त वगैरह की कराई जा रही है और लॉकडाउन ड्यूटीज़ और कोविड कंट्रोल की ड्यूटियाँ कराई जा रही हैं और उनको और अच्छा बना बेहतर करने के लिए 3 दिन का उनका एक कैप्सूल कोर्स हमने चलाया है जिससे कि उनके अंदर और अच्छी क्वालिटी हो और वो अच्छे से अच्छी महिला पुलिसकर्मी के रूप में सामने आएँ और जनता की बेहतर सेवा की जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग कोर्स पुलिस लाइन में चलाया जा रहा है।